सबरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम अच्छा तो बाबूजी आज एक बिरहा आप लोग के बीच में लेके आए नहीं हम ए यूपी टॉप हरिओम स्टूडियो से तमाम बिरहा आप लोग के बीच में गई और प्यार दुलार आप लोग देहली एक ऐसा बिरहा आप लोग के बीच में जा रहा बा पूरे हिंदुस्तान के धरती का कलेजा दहल गया इस घटना से भूमिका के लाइन से मास्टर साहब संकेत हो कापती रूह गैसा भयावत था मंजर देख नजरों की पलके खुली रह गई हर तरफ चीख चित्कार आघट करे सारे अरमानों की जिंदगी बह गई तलाश अपनों की थी पर निशान ना मिले थी व्याकुलता की कोई संदेश देगा खोए मिल जाएंगे लगता अभी राम अब क्या पता काल कब कौन सा रूप लेगा अभिराम अब क्या पता काल कब कौन सा रूप लेगा बारे हमारे कभी जी अभिराम यादव कभी जी बतावल गई सब लोग भैया सफर करत हो केहू बस का करत है केहू ट्रेन का करत है केहू फोर व्हीलर से चलत है लेकिन आने वाले जिंदगी में ए जीवन में का हो जाई कुछ खबर नहीं थी एक लाइन गजल के नमूना है मास्टर साहब प्रेमिका की बात है मास्टर साहब कहना है क्या मुहब्बत हुई है मुहब्बत हुई है मगर क्या करूं मुहब्बत हुई है मगर क्या करूं हुई गए मगर क्या करूं मैं मुहब्बत हुई गए मगर क्या करूं मुहब्बत हुई क्या करूं मैं
जालिम जमाना है, जालिम जमाना उसी से डरूं मैं, जालिम गजल के नमूना रहल। लेकिन वहां में बड़ी ऊंची बात, बड़ी अच्छी बात हमारे कवि जी लिखते हैं। का लिखलन? ये सपनों का संसार, बताए हमारे कवि जी ये सपनों की दुनिया है। सब लोग सपना में जी रहल बड़न, सबको एक अच्छी जिंदगी की तलाश है, बेहतर जिंदगी की तलाश है। इसलिए कहना है क्या, ये सपनों का संसार छड़ी में सजा है, संसार छड़ी में ये सजा है, ये सपनों का संसार छड़ी में सजा है। घसी के खड़िया कजा सुनते बिहसी के खड़िया कजा, कहानी का शुरुआत हो था। कैसे भइल मास्टर साहब? कहानी का शुरुआत हो था, हजारों लाखों लोग ट्रेन की सफर कर रहे हैं, सब लोग अपन अपन सपना लेके, सपना सजा के ट्रेन में बैठ के चल दिए। किसी को भी घटने की कोई खबर नहीं, कहना है हजारों जिंदगी सपना सजाए बैठी थी, कोई ना जान रहा समय वही बैठी थी, कोई गाता था गीत झूम रहा मस्ती में, कोई गाता था गीत झूम रहा मस्ती में, अचानक आग लगी सुहाना पल बस्ती में, बंगाल के शालीमार स्टेशन से तैयार हुई, बंगाल के शालीमार स्टेशन से तैयार हुई, चेन्नई सेंट्रल जाने को है बेसुमार हुई, एक्सप्रेस कोरोमंडल चली है बड़ी जज्बा से, एक्सप्रेस कोरोमंडल चली है बड़ी जज्बा से, नहीं थी जानती घिरी है मोती कब जासे, जिगर में अरमा पाले मुसाफिर सबा सही, फिर सवार सगी नौकरी करने जाता कोई ना व्यापार सही,
ए बाबू बिरहा के कहानी के आप लोग हैं समझ ली। एक ऐसी घटना दिल दहला देने वाली घटना जेकर हम और आप ही ना चर्चा करे थी ये पूरा हिंदुस्तान में चर्चा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस 3:20 पर शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना हुई और बंगाल के कोलकाता बंगाल के जितने भी पैसेंजर लोग थे सब लोग ट्रेन का सवारी कैलन ट्रेन में भर गईलन कुछ न कुछ अरमा ले करके सभी लोग उस ट्रेन के अंदर सवार हुए हैं। केहू घर गृहस्थी बचावे का केहू बढ़िया जिंदगी जिए का कोई अपने बच्चे की सुखमय जिंदगी जीने की तमन्ना लिए ट्रेन के अंदर सब लोग बैठल हुन। कलकत्ता से कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना हुई जौने समय रवाना भइल बा मस्त साहब बिरहा में एक लाइन गीत लगल बढ़िया गीत के संकेत हमरी मास्टर साहब देत हूं का करता रूं अबले का करता रूं अबले हमके देखावा ना तनी धनिया घटावाना रुपवा से परदा तनी का करता रूं अबले हमके देखावाना रुपवा से परदा तनी धनिया घटावाना। तब उमेहरा रुके है माथे पगाम बिंदिया लगैनी माथे पगाम बिंदिया लगैनी लिखनी बाल सवारी पलम जी सरक जाता पलम जी सरक जाता कमार से तो होने वाली साड़ी ए बाबू ए भैया ये तो गीत के लाई रहल लेकिन शालीमार स्टेशन कलकत्ता से बंगाल से एक परिवार सबाना का पूरा परिवार उस ट्रेन में बैठने के लिए सवारी करने के लिए स्टेशन पर पहुंचा है। जौने समय पहुंचल है उस समय के बाहो हमारे कवि जी लिखत हुए का लिखलन मालदा से सबाना बेगम गड़िया पे चढ़े मालदा से सबाना बेगम असरफ से कहेली उस सबाना जौने समय ट्रेनिया में बैठल होइन हो भैया घटना से एकदम अनजान कुछ खबर नहीं खे हो क्या आज हमारे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। घटना से बेखबर होके अपना बचवा से बतियावत ही अपना बेटा अशरफ से सबाना बात कर रही है।
मालदा से सबाना बेगम गड़िया पे चढ़ेली। सरफ से कहे दिलवा के बात, कहत है का कहत है यह कहत है असरफ बचवा हो चुनिया के छूटे नहीं जोड़ी, ए असरफ बचवा हो चुनिया के छूटे नहीं जोड़ी। ए बाबू सबाना बेगम रेलिया में बैठल तहिन हो, लेकिन मन बड़ा घबरा था, दिल बड़ा घबरा था अपना बेटवा। असरफ से कहती ने बेटा पता न काहे ट्रेन में तो हम बैठ गई, लेकिन ये हमार मन ये हमार दिल गवाही ना दे था, बड़ी घबराहट हो था। दोनों माँ और बेटा घर का बात करत हुन कि बचवा के दोनों के छोड़ के अपना मलकिन के छोड़ के हमने घरे तजा थी। ए माई हमने घरे तजा थी, ए अम्मी हम लोग परदेश में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, बेहतर जिंदगी जियल जाए कमा धमा के, तो जाएदा कुछ है दिल ले कष्ट रही, एक बात तो कोनो दुख ना रही जब कमाई धमाई बढ़िया होवे लगी। तो माई बेटवा घटना से अनजान बात कर रहे हैं, हमने लिखा सब लोग छोड़ ले हो घरवा से मुहावा मोड़ ले हो, हमने लिखा सब लोग छोड़ ले हो सबके बहमा माता नहिया का सागर घोर ले हो, सबाना असरफ बेटवा से कहती नहीं बेटा हम जानत थी कि घर का तोहरा बचवा के तोहार मलकिन के तोरे याद आवत है, ये हमार दिल जानत है, लेकिन क्या करवा पेट का सवाल है। समझावत थी सबाना बेगम आवत याद तो मैं दिल जाने पेट का सवाल रहे थोड़ी, ए असरफ बचवा हो असरफ बचवा हो जिंदगीया के छूटे नहीं जोड़ी, ए असरफ बचवा हो जिंदगीया के छूटे नहीं जोड़ी। ए बाबू ए भैया माँ सबाना और बेटा असरफ दोनों मतारी बेटवा बातचीत करे में एकदम लीन हो गई लन। जब से बंगाल स्टेशन से कोलकाता स्टेशन से जब बैठलन वहीं से दोनों मतारी बेटवा बात करे चालू कैलन, बात में एकदम लीन होन भुलाइल होन। तब तक बहिल का बिरहा में एक लाइन गीत लगे थे मिस्टर साहब। पति से कहे यह कहे
भैया जब से बहरा याद आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गई ले जब से बहरा हयात आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गई ले सैया जी हमार हो चिड़ैया बन के उड़ गई ले रफ्तार तेजी से बढ़ गई बिल्कुल खबर नहीं है घटना से अनजान है कहना है क्या पतिया करे में धैले गड़िया रफ्तार हो धमाका जोरदार भैले पतिया करे में गड़िया भैले रफ्तार हो धमाका जोरदार भैले हो गयल अन्हार हो धमाका जोरदार भैले इतनी तेज ट्रेन चला था बिल्कुल खबर नहीं है कितनी स्पीड ट्रेन चल रहा बा तब तक एक आवाज होती है बड़ी जोरों से आवाज सब लोग का कान एकदम सन्न रह गई किसी को कुछ खबर नहीं है होश ना कि कैसी आवाज है बहना गा बाजार स्टेशन के पास हो बतावल गई बहनागा बाजार और स्टेशन के पास में ये घटना घटत है गुजरात में रूकी गैली के तनन के सास हो कनवा सुना हो ही गैले सुन के चिघार हो धमाका जोरदार भैले सुना हो ही गईले सुन के चिघार हो धमाका जोरदार भैले हो गयल अन्हार हो धमाका जोरी धड़ाम करके जौने समय आवाज भइल हो बाबू सब कर कान सुन हो गल अफरा तफरी मच गया वही समय हमरे कवि जी बिरहा शैली में भाव देत हुन का देहलन अरे मातम की कैसे आधी चल पड़ी अरे मातम की ऐसी आधी की
की वैसे आदि चल पड़ी। काल विकराल बना दिया समय पर साधी, अरे हाँ साधी, अरे हाँ साधी। ए बाबू ए भैया, कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही थी। जौने समय बहनगावा बाजार स्टेशन पर ट्रेन पहुंची है, हरा झंडी दिखा दिया गया, बगल में मालगाड़ी खड़ी है स्टेशन पर, हरा झंडी दिखा गया, लेकिन पटरी चेंज ना भइल। जब पटरिया चेंज ना भइल हो बाबू, कोरोमंडल चली है, जाके मालगाड़ी को टक्कर मारते हुए पलथी मार के जाके तीसरा रेल का पटरी रहल, ऊपर एक ट्रेन और जात रहे। जौना ट्रेन का नाम बतावल गईल हावड़ा यशवंतपुर। 116 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हावड़ा यशवंतपुर जा रहल बा। ए बाबू, जौने समय टक्कर लगल है मालगाड़ी से कोरोमंडल ट्रेनिया का, उप डब्बावा जाके उड़ के ओ ट्रेनिया में लगल हस, सब डब्बा निकल चुकल रहल, केवल पैसेंजर 4 डब्बा बचल रहे। ट्रेन का पैसेंजर 4 डब्बा केवल बचा था, उ चारों डब्बावा में उड़ के जाके कोरोमंडल का डब्बे के ऊपर गिरा है, तिथर बितर हो गया, चारों तरफ तिथर बितर हो गया, अफरा तफरी मच गई, किसी को होश नहीं है, खबर नहीं है। ए भैया ए बाबू, जूने समय चारों ओर अफरा तफरी मचल, सब लोग आपस में बात करत हुए, का करत हुए, विदेशिया का भाव लगल है मास्टर साहब। अरे केहू कहे कोरोमंडल, अरे मालगाड़ी से टकराइली हो, केहू कहे सिग्नल के भइली परेशानिया, हावड़ा यशवंतपुर गाड़ी तीसरी गड़िया हो, ओहो तबे पटरी भइले लेके गलनिया। हावड़ा यशवंतपुर तीसरी ट्रेन बेखबर हो करके अपने चाल में 116 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में जा रही है, बिल्कुल बेखबर है। लेकिन ए बाबू, जौने समय कोरोमंडल लड़ल हो टकराइल है, ओ समय कोरोमंडल का सब डब्बा टूट के तिथर बितर होके उड़ के जा करके मालगाड़ी के पार करके जाके यशवंतपुर गाड़ी में लड़ल है। जौने समय यशवंतपुर गाड़ी में जाके लड़ल है, 4 डब्बा यशवंतपुर गाड़ी का गिर गई, उड़ गई, चारों डब्बा चारों पूरे रेल के पटरी पर तिथर बिथर भइल है। ओ समय कहल गई है, केहू का तंगठ काटल, केहू का पयरवा, केहू का मोड़ी काटल, ए बाबू ना चले बादनिया, छत भी खरल बा, चारों ओर लो थड़वा हो, बाया कर बचल जेबा कागने जो बनिया। मातम छा गया, चारों ओर धरती खून से सना गई, केहू का गर्दन कटल है, केहू का पैर कटल है, किसी के मांस का पता नहीं है, किसी के शरीर का पता नहीं है। जे परिवार में बचल है, ट्रेन में बचल है, एक दूसरे को लोग दौड़ दौड़ के मदद करत हुआ बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। वही में वो सबाना बेगम जे की कोलकाता बंगाल से बैठ के चलल रही, बेटे का पता नहीं, अशरफ का पता नहीं है, सबाना बेगम आंख में आंसू लेके रो रही है, अपने बेटे अशरफ को ढूंढ रही है किसी भी तरह। अशरफ के लसिया जौने समय पौले ही हो बाबू, गुदिया में लेके सबाना बेगम रो के कहती है, का अरे बाबू दरोगा जी,
तो बाबू दरोगा जी कौने गुना किया बधाला पिया बाबो बाबू दरोगा बाबू ये भैया सबाना बेगम गोदिया में आसरा बछवा के लसिया के लेके आंख में आंसू लेकर के रो रो के छतिया के पीट के कहत है इनका कहलिन अपने हीरावा से अपने हीरावा से करम ना पावली दिल का पूरा बा अपने गिरावा से गोदिया में लसिया के लेके रो रो के कहती ने बेटा बड़ी अरमान लेके हमने यहाँ से चेन्नई बदे रवाना भेली लेकिन ये बेटा बिल्कुल घटना से अनजान अगर जनती तो हमने आज घरे रहती नमक रोटी खा लेती लेकिन अपन घर गृहस्थी अपन दुनिया छोड़ के नहीं जीती रो रो के कहत हिनका छत भी छत बेटा वाके लसिया साथी कर जावा रोवे अपने गिरावा से करो न पवली दिल का पूरा बा अपने गिरावा से बाबू ये नहीं सबाना बेगम अब अशरफ के जैसन हजारों घर बेघर हो गई परिवार खत्म हो गई आज वही ट्रेन में उसी गाड़ी में खड़गपुर से सीआरपीएफ का एक जवान ट्रेनिंग के लिए जा रहा था चेन्नई में जिसका नाम निखिल धारा बताया गया पत्नी का नाम बैसाखी जो ने समय ओ बैसाखी के सूचना लगल सीआरपीएफ के जवान के पत्नी को खबर लगी है कि ट्रेन हादसा हो गई ट्रेन टकरा गई ए बाबू ए भैया आज वह औरत बैसाखी भी घटनास्थल पर पहुंचल ही अपने पति के पागल के जैसन खोज रही है पागलों की तरह इधर उधर कि सब लोग तो देखा थो ना हमारे सैया जी कहाँ हुआ रो रो के खोज रही है कैसे बिरहा में मलाही गीत लगल मास्टर कैसे तो हक्के चढ़ाई बे मैया अरे नरी अरे चुनारिया हो कि गंगा जी हो कि गंगा जी बोझल नैया कही दे
तू पारवा गोपी गंगा जी। लेकिन वह सीआरपीएफ जवान की औरत बैसाखी जो उन्हें समय घटना स्थल पर पहुंची है, देख रही है चारों तरफ लाश फटी है, केहू का हाथ टूटल है, केहू का पैर टूटल है, कोई का सर फट गया है, किसी का गर्दन रेल के पटरी पर पड़ा है, केहू केहू के लाश का पता नहीं है। सब लोग छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, बौखला गई है, रो रही है, अपने पति को ढूंढ रही है, कहीं खबर नहीं है। रो के कहती का कहवा परैला सैया, कहवा परैला सैया, आइला ना कगरिया ओ नजरिया बरसे, चारों ओर खोजले पुतारिया ओ नजरिया बरसे, रो रो के वह बैसाखी औरत कहती है और का कहती कई हास पीतल खोजली, कोई हास पीतल खोजली रेलो के पटरिया, हो नजरिया बरसे, चारों ओरी खोजले पुतारिया हो नजरिया बरसे। बैसाखी का निगाह चारों ओरी अपना सैया के खोज रहल बा, अचानक निगाह बैग के ऊपर पड़ल, जवन बैगवा अपना सैया के दे के विदाई कैले रही उसी बैग के ऊपर निगाह पड़ती है। जब बैगवा के ऊपर निगाहवा पड़ल हो बाबू, दौड़ के जाके बौखला के बैग के जब खोल के देखत है कि सैया का वर्दी, उस समय उम्मीद लगौले ही सोचत है इनका फोन बैगवरी मिलल, फोन बैगवरी मिलल बाकी ना शरीर या हो नजरिया, हो नजरिया चारों ओरिया खोजले पुतारिया हो नजरिया बरसल, बैगवा के जौने समय बैसाखी सीआरपीएफ जवान की औरत पौले हो बाबू, पागल के जैसन दौड़ के जाके वो बैगवा के उठा के खोल के अपने सैया जी का वर्दी निहारत बा, ढूंढ रही है अपने पति को, अपने सैया को कि हमार सैया कहीं हुई है मालिक, जहां भी हो सलामत हो, दुआ कर रही है। लेकिन भाईल का चारों ओर लाश को अंबार लगल ढेर लगल, कहीं किसी का पता नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का भाई नहीं है, सब लोग एक दूसरे के खोज रहल बा।
भारे मालिक की मर्जी। क्या सपना लेकर के लोग चले थे, लेकिन क्या हो गया, पपट के भाव में कभी जिल्ली खत हो उनका। चारों ओर बाप लसिया का अंबार यार वही गाड़ी में, अरे चारों ओर बाप लसिया का अंबार यार वही गाड़ी में, ऊपर से घेर ले पूरा अन्हार यार वही गाड़ी में। अरे डिब्बन का परखचा उड़ गई ले भाई, पटरी टुकड़ा टुकड़ा हो अकत ही बिलख मांग का सिंदूर, आचल का बड़ा दुखड़ा हो भाई, भाई बहन का रिश्ता लाचारे यार वही गाड़ी में, अब पहला दिहला बैंक टे समाचारे यार वही गाड़ी में। बाबू सबसे पहला खबर उसी रेल का, एक कर्मचारी कोरोमंडल ट्रेन में सफर कर रहा था, बैंक टेस रेल कर्मचारी छुट्टी पर जात रहे, घरे जात रहे हो बाबू, सबसे पहला खबर वही सबको दिया है। बिरहा में आल्हा के भाव लगल मास्टर साहब, हाय राम देवदूत बनल तब, अरे वहां कलो गवा भैया मिडिया पेपर वाले मकवा पे ले बाबू, धीरे धीरे सब लोगन का जमघट लगे लगल, धीरे धीरे पेपर वाले मीडिया वाले अखबार वाले सब लोग धीरे धीरे वहां पहुंचे लगल, जैसे जैसे खबर लगल जे जहां से सुनलस जैसे सुनलस वैसे घटना स्थल पर जाए का तैयारी कैले से पहुंचल। मीडिया या पेपर वाले मकवा पे ले भैया देखावे खबर सिटिया के नीचे फसली कतनी का टंगरिया बाबू, कतनी का बहिया वो कट के भय बेकार। कितना लोग सीट के नीचे दबा गईलन, उसी में बताया गया कि एक दो साल का बच्चा मालिक माई बाबू के ते दुनिया से उठा ले गईलन, लेकिन बाहर मालिक की मर्जी वो दो साल का बच्चा उसमें जीवित पड़ा था, उसे भी लोग निकाल करके बाहर करते हैं। केहू का पैर फसल है, किसी का गर्दन दबा है, किसी का हाथ फसा है, जे जैसे ही पड़ल हते तैसे ही सब लोग पहुंच के बारी बारी से सबके निकाले का काम करत हो। I'm not
धरना स्थल पर तमाम लोग पहुंचे। मीडिया पेपर पत्रिका के बाद पहुंचल के वही में एक परिवार बंगाल से, जिसका बेटा भी उसी रेल दुर्घटना में गायब है। कुछ समय या पहले बाबू जब ये घटनामा भइल हो, लड़का वो बेटा अपने बाप को फोन लगाया और तभी अचानक बेहोश हो गया। बाप फोन लगा लगा के बार बार परेशान हुआ, मोबाइल उठ नहीं रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। हीरा राम बंगाल से चल करके बालासोर पहुंचे हैं अपने बेटे की खोज में। इधर उधर पागल के जैसन बेटवा के खोजत हुन, ओहो वही कोरोमंडल ट्रेन में सवार रहे लइकवा हो बाबू। लड़के का नाम विश्वजीत बताया गया। खोजत हुन अपने बहनोई को लेकर के महानागा स्कूल मुर्दा घर में पहुंचे हैं। जब महानागा स्कूल मुर्दा घर में पहुंचल हुन, सब लोग कुछ लोग बतौलन कि इधर कहीं उसका पता नहीं है, जाकर देखो कुछ लाशें मुर्दा घर में पड़ी हैं, शायद वहां पर आपका बेटा हो। जौने समय मुर्दा घरवा में पहुंचल हुन वो बाबू, जाने की अनुमति नहीं है, कोई जाने नहीं दे रहा है मुर्दा घर में। अफरा तफरी मची है, लाश आवत है जात है, पहचान वाले लोग आ रहे हैं अपनी लाश को लेके जा रहे हैं, केहू लेके लाश जमा करत है। वही में वो बाप हीरा पागल के जैसन अपने लड़का के खोजत हुन, तब ले देखत हुन कि कुछ लोग शोर मचत है कि मुर्दा घर में एक लाश पड़ी है, हाथवा इशारा करत है, हिलत है, हाथ हिले लगल, अफरा तफरी मच गया, जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे, हल्ला मच गया, मुर्दा घर में, अरे बाप रे बाप, ये डेड बॉडी, जीवित है, जान है उसमें, उसको बाहर निकालिए। भिड़िया के चीरप वही में हीरा राम भी पहुंचल हुन, जौने समय हथवा के देखले हुन हो बाबू, हाथ को पहचान गए, ये तो मेरे बेटी की लाश है, ये तो मेरा बेटा है। दौड़ के गल हुन कलो, ए साहब ये हमारा बचवा है, एक बहरा निकाला, बाहर लेके आए हैं कटक मेडिकल कॉलेज, इलाज के लिए लेके जाया गया। कटक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करावल गई, इलाज चला था। और तमाम लोग ऐसे ही बाबू उस रेल दुर्घटना में, केहू का परिवार खत्म हो गई, केहू का मुलाकात नहीं खे भाई, लिखल गई घटना स्थल पर पहुंचल के पहुंचल घटना स्थल पर लागल नेतवन का जम घट बाबू, तोरा करे मारी मारी बन के मददगार, सीबीआई जांच के हो गया लिया दे सवा बाबू, बोला ला के कुछ ना दोषी हुई है वो है होई जे करे पर रिपोटिया बाबू, ना जाने के का रे पर लटकी तलवार। ए बाबू घटना स्थल पर मीडिया पेपर पत्रिका वाले लोग सब लोग पहुंचे, और घटनास्थल पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, शिक्षा मंत्री प्रधान, ओडिशा के आपदा प्रबंधक मंत्री प्रमीला मलिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम राजनेता घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जौने समय घटनास्थल पर पहुंचल हुन, सब लोग मृतक परिजनों को रेल विभाग के तरफ से 50,000 नगद 9.5 लाख देने की घोषणा की गई। बिरहा के आखिरी भाव में लिखल गई, का लिखल गई, बड़ी ऊंची बात हमारे कवि जी ने लिखे, जो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, रुपया पैसा तो आई चल जाई, क्या हम रेल मंत्री से सवाल करना चाहते हैं,
क्या सवाल है? यही सवाल है हमारे कवि जी की लेखनी बताती है। रुपया पैसा बयान से ना अरे लौटी खुशियां तो खोज जिंदा नहीं अपना के मिले ले लसिया। रुपया पैसा से ना लौटी खुशिया, बड़ी ऊंची बात हमारे कवि जी बताए। रुपया पैसा कितनो आ जाए, अगर कोई चला गया, अगर लौटा सकते हैं तो आप उसको लौटा दीजिए, नहीं लौटा सकते हैं रुपया पैसा से खुशी ना मिली। लिखल गई, अरे हर घटना पे होले नीति का घिनौनी, अरे कही आले जिम्मेदारी बन बैठी बहुनी। एक दिन अटकी ससिया तो खोज जिंदा नहीं अपना का मिले लसिया। जनता का मसीहा जिम्मेदार हो, अरे जागा नौजवान साथी हो खा होशियार हो। तो सुतला में छीन जाई चने का बसिया, खोज जिंदा नहीं अपने का मिले ले लसिया। यही से हमारे विरह की कहानी समाप्त भइल। आखिरी भाव में खानदान का परिचय बताया गया है। क्या गुरु बिहारी गुरपत्तू है, होता ना विश्वास लगता है नजरों से ओझल वो जाएगा पास। अरे मातम की ऐसी आधी चल पड़ी अनीता अभिराम सरगम को गाते पाधी, मातम की ऐसी आधी चल पड़ी।